नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पूर्व विधायक निशंक जैन ने अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक गंज बासोदा और त्योंथर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6000 के आसपास जांच हुई, जिसमें 3500 के लगभग RT-PCR के सैंपल लिए गए। इसके बाद 1 जनवरी 2021 से आज दिनांक तक कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा है। सरकार ने निर्णय लिया था कि हरिद्वार कुंभ से लौटने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी एवं उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। ना तो उन यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया और ना ही उनकी जांच की जा रही है। 22 अप्रैल के पहले 60 से 70 RT-PCR की जांच प्रतिदिन होती थी। ऊपर से निर्देशों के बाद पूरे जिले में RT-PCR की जाँच आधी कर दी गयी है। कोविड केयर सेंटर में 30 पलंग है और 30 पलंग पर केवल 4 ऑक्सीजन सिलेंडर 10 लीटर के हैं, जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर लीकेज है। 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है, जबकि कोविड सेंटर में मरीजों की संख्या 30 है, जिसके हिसाब से 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन होनी चाहिए थी। 27 अप्रैल 2021 को कोविड से संक्रमित 12 मरीज भर्ती थे, जिसमें 8 मरीजों की स्थिति गंभीर थी, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उनको बदल लगाई गई। मेरे संज्ञान में आया है कि गंज बासोदा में स्वरूप नगर लाल पठार पर छात्रावास को कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें मेरी मांग है कि जन चिकित्सालय में MD स्पेशलिस्ट डॉक्टर पदस्थ हैं, जिनकी देखरेख में मरीजों को उपचार करने में ड्यूटी लगाई जाए और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, उन इंजेक्शन का उपलब्ध कराए जावे, जिससे गंज बासोदा में ही कोविड संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा सके और उन्हें मेडिकल कॉलेज न रेफर किया जाए। ऋण पर कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते ब्याज वसूला जा रहा है, जिसे आगामी 3 माह तक का ब्याज माफ किया जाए। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश संचालित सभी स्कूलों में फीस वसूली जा रही है, जिससे अभिभावकों पर लॉकडाउन के समय अनाधिकृत बोझ बन रहा है, जिसे माफ किया जाए या सरकार स्वयं वहन करे। पत्रकार वार्ता के अंत में देश प्रदेश और नगर में जिन लोगों के कोरोना संक्रमण से मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदिशा मध्य प्रदेश से आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। जब कोरोना की प्रथम लहर आई थी और जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कोरोना नहीं, डरोना है। कमलनाथ जी, ये कोरोना नहीं है, ये डरोना है, इससे डराने की जरूरत नहीं है। और जब वो मुख्यमंत्री बने, इसके बाद प्रथम लहर के बाद सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई और आज आम आदमी मरने के लिए परेशान है। मरने के लिए परेशान से मेरा मतलब ये है कि शमशान घाटों में जगह नहीं है। हमारे एक मित्र की माता जी का अंतिम संस्कार जब भोपाल में करने के लिए बोले गए तो एक से चिपकी एक डेड बॉडी रखी थी। उन्होंने कहा कि भाई इतनी भी जगह नहीं थी कि हम अपनी माताजी का अंतिम संस्कार कर सकें। कल जब वो अपनी माताजी के तीसरे के लिए बैतवा पे गए तो किसी ने एक डेड बॉडी को लाके और उसका पेटो डाल के अंतिम संस्कार किया। आप समझ सकते हैं कितना भयावह का दौर है। 6000 टेस्ट हुए, जिसमें 3500 के आसपास RT-PCR और शेष एंटीजन टेस्ट हुए। इसके बाद से 1 जनवरी 2021 से आए दिनांक तक ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी टेस्ट नहीं हो रहे। और सरकार ने निर्णय लिया था, सरकार के मुखिया के निर्देश थे कि जो कुंभ से लौटेंगे उनका टेस्ट किया जाए और उनको होम क्वारंटाइन किया जाए। पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में कुंभ से लौटने वालों का कहीं कोई ना रिकॉर्ड है और ना टेस्ट किए गए। साथ में पहले गंज वासुदा नगर में 2 जगह वैक्सीन लगती थी, सिविल अस्पताल वासुदा और बेदनखेड़ी के PSC में, मगर
वेदन खेड़ी पीएससी में वो तो बंदी कर दिया गया, जबकि वहां एक एमबीबीएस डॉक्टर पदस्थ है और साथ में ना वहां वैक्सीनेशन हो रहा और ना ही जांच हो रही। हमारी मांग है कि जिस तरह से पहले दोनों केंद्रों पर होता था उसी तरह से दोनों केंद्रों पर प्रारंभ किया जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के मुखिया टीवी पे बोलते हैं कि अधिकतर लोगों की जांच की जाए, ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग की जाए, 22 अप्रैल के पहले तक, इसी 22 अप्रैल के पहले तक प्रतिदिन मरीज भर्ती थे जिनमें 8 मरीज गंभीर हालत में थे और वो भी उनको भी बदल बदल के ऑक्सीजन दी गई। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि गंजवासुदा के लाल पठार पर कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज पर प्रेशर बढ़ रहा है, विदिशा के अलावा पूरे जिले के मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, यदि लाल पठार के छात्रावास को पूरी सुविधाओं के साथ सेंटर बनाया जाए। गंजवासुदा अस्पताल में एमडी डॉक्टर है और भी डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर के कहने से ही लगता है रेमडेसिविर इंजेक्शन या जो भी ट्रीटमेंट है, मेडिकल कॉलेज में भी तो एमडी डॉक्टर ही लिख रहे हैं, तो वहां पर भरपूर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए और साथ में एमडी डॉक्टर के देखरेख में रेमडेसिविर इंजेक्शन भी यहीं पर लगने लगे, तो उससे जिला में मेडिकल कॉलेज में प्रेशर कम होगा और वासुदा को भी कि जो मरीज है वो और उनके परिजन परेशान होने से बच सकेंगे और वासुदा के साथ साथ आसपास का भी जो क्षेत्र है उसको भी मरीजों को यहाँ पर समुचित उपचार मिल सकेगा। पूरे जिले में चाहे गंजवासुदा, त्योंदा, ग्यारसपुर, नटेरन, दमसवा, सिरोही, नटेरी, कुरवाई, कोई सी भी बात करें, पठारी, ऊपर के अघोषित निर्देश हैं कि सैंपलिंग कम की जाए, आरटीपीसीआर जो गले की जांच है उसको कम किया जाए। इसका मतलब ये है सरकार यह चाहती है कि जब सैंपलिंग ही नहीं होगी तो पॉजिटिव और निगेटिव का पता ही नहीं चलेगा और जब वो नाक से जांच करते हैं उसको एंटीजन टेस्ट कहते हैं, उसमें 90% लोगों का निगेटिव निकलता है। मेरा खुद का जब मैंने नाक से जांच कराई थी तो निगेटिव आया और जब मैंने गले से जांच कराई थी 5 महीने पहले तो मैं पॉजिटिव हुआ था। तो ये किसके निर्देश पर, ऊपर का ऐसा कौन है पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में कि जिसके निर्देश पर ये टेस्ट आधे किए गए हैं। मेरी मांग है कि उनको, हर आदमी को जिसको टेस्ट कराना है, जिस तरह से पोलियो की दवाई पिलाई जाती है उसी तरह से हर सेंटर पर वैक्सीनेशन भी हो और साथ में टेस्टिंग भी हो, क्योंकि सरकार के पास भरपूर स्टाफ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वैक्सीनेशन करे, आशा कार्यकर्ताओं को साथ लगा के उनका पूर्ण सुरक्षा के साथ उनकी टेस्टिंग करें, साथ में कोविड केयर सेंटर में, गंजवासुदा के कोविड केयर सेंटर में 30 पलंग है और 30 पलंगों पर केवल 4 ऑक्सीजन सिलेंडर 10 लीटर के हैं, जिनमें 2 सिलेंडरों में लीकेज है। इसलिए कल जब मेरे पास किसी पेशेंट का फोन आया, 15 मिनट हमें ऑक्सीजन दे दी गई, फिर हमारी निकाल के दूसरे को लगा दी गई, फिर उसकी निकाल के तीसरे को लगा दी गई और साथ में वहां पर जो 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वे भी इसी तरह से बारी बारी से उपयोग किए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि जितने पलंग हैं उन पलंगों पर ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम हो और यदि वेंटिलेटर का भी हम इंतजाम कर सकें तो मैं समझता हूं कि जिन कोविड केयर सेंटरों का जो सही लाभ है वह जरूर मिलेगा। साथ में
ने कोविड मरीजों को 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सुबह चाय से लेके रात के दूध तक प्रति व्यक्ति प्रति मरीज प्रतिदिन 300 रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। उसके आधार पर अच्छी पोस्टिंग डाइट मिले, अभी भी डाइट मिल रही है मगर मेरा कहना यह है कि उस हिसाब से फल फ्रूट जूस जो भी हो सकता है जिससे वे शीघ्र स्वस्थ हों, और साथ में शासकीय अस्पताल में ओपीडी के दौरान चार कमरों में चार डॉक्टर बैठे, अभी एक कमरे से ओपीडी हो रही है तो भीड़ लग रही है और उस वजह से हो सकता है कोई एक संक्रमित दूसरे को करके जा रहा हो, तो जो उद्देश्य सरकार का चेन तोड़ने का वह चेन टूट नहीं रही। हो सकता है कि इस अज्ञात बीमारी की वजह से हम चेन को आगे बढ़ा रहे हो। दूसरी बात, जो अब कोविड की वजह से पूरे धंधे ठप्प हैं, धंधे ठप्प होने की वजह से मेरी देश के प्रधानमंत्री जी से मांग है कि लोगों की जो ईएमआई है उस पर ब्याज माफ किया जाए और उनको अगले 3 महीने के लिए भरने की अनुमति दी जाए। प्रदेश के सभी स्कूलों की फीस माफ की जाए और उस फीस की पूर्ति सरकार करे जिससे स्कूलों का भी नुकसान ना हो और अभिभावकों का भी नुकसान ना हो। इन सब बातों के लिए आज मैंने आप सबको से निवेदन किया था, यही मेरी बात है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है आने वाले दिनों में कोविड नियमों का पालन करते हुए मुझे उपवास पर यदि बैठना पड़ा तो भी मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। गंजवासा क्षेत्र की जनता को इनके भरोसे हम छोड़ नहीं सकते, इलाज तो देना ही पड़ेगा। इस बात की मैं तारीफ भी करता हूँ कि विदिशा जिले में बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। हम यहाँ पर किसी की आलोचना के लिए नहीं, हमारा कहना यह है कि व्यवस्था में सुधार हो, व्यवस्था मिले, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। आपने